उसने कहाँ से पढ़ना शुरू किया? हम यहाँ से शुरू करें वापस से, ठीक है? कैल्सिनेशन और एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट से। वैसे मैंने आपको बता दिया था, एक जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ वापस से, है ना? कि कैल्सिनेशन में क्या करते थे हम, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का ही मेन जो मेन फंडा था, क्यों करते थे हम कैल्सिनेशन रोस्टिंग? हमने ये पढ़ा था कि सर अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करोगे किसी भी चीज के साथ, लेट्स से कार्बन के साथ, तो इसका रिडक्शन का जो डेल्टा जी वैल्यू होता है, ठीक है, दैट इज की फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन की हम बात करें, क्या ये रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनको रिड्यूस करना बहुत आसान है कंपेयर टू अगर तुम्हारे पास सल्फाइड है। अगर ये किया तो आपके पास जो रिएक्शन होगा ये CS या CS2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डेल्टा जी पॉजिटिव में आता है। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप थोड़ा बहुत एनर्जी दोगे फिर बाकी काम अपने आप हो जाएगा, क्या कोई डाउट है? हाँ जी, हाँ या ना, क्लियर? तो इसीलिए हम ऑक्साइड में कन्वर्जन करना शुरू करते हैं। ऑक्साइड में कन्वर्जन करने के दो तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपने सबसे पहले देखा था कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कंपाउंड में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो बस आपने हीट करना है, और हीट करोगे सब कुछ हट जाएगा, ऑक्साइड बच जाते हैं, ये आपकी रिएक्शंस है, ठीक? नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने रोस्टिंग देखा था, रोस्टिंग में हमने बात किया था कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कुछ गैसेस निकलती हैं और कंपाउंड हमारा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हम Cu2S का स्पेसिफिकली रिफाइनिंग पढ़ रहे थे, और Cu2S के रिफाइनिंग में हमने देखा था कि Cu2S प्लस FeS इसके अंदर इम्प्योरिटी होता है, हम इसका रोस्टिंग कराते हैं और रोस्टिंग से साथ साथ SiO2 डालते हैं। SiO2 बीइंग एसिडिक, एंड जब FeO यहाँ पे कन्वर्ट होता है, दोनों में से रिडक्शन किसका आसान होता है, Fe का। Fe का रिडक्शन आसान होता है बिकॉज इसका SRP वैल्यू क्या होता है, कम होता है। जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होगा उसका रिडक्शन ज्यादा होगा, जिसका SRP वैल्यू कम होगा उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन चल रहा है, ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ। अब ये SiO2 के साथ मिलके क्या बना लेता है, FeSiO3, और ये तुम्हारा डेंसिटी इसका कम होता है और ये फ्लोट करके ऊपर आ जाता है। इससे हमारा Fe का जो इम्प्योरिटी है वो हट जाता है, बट इम्प्योरिटी कभी भी पूरी तरीके से नहीं हट सकता, तो Cu2S प्लस Fe बच जाता है, FeS, है ना? और इसको बोलते हैं कॉपर मैट। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर? क्या कोई डाउट है? मैंने आपको एक और चीज भी बताया था कि Fe2O3 SiO2 के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता कौन बताएगा? दोनों तो दोनों एसिडिक हो जाते हैं। एसिडिक हो जाते हैं भाई। बाकी सारे लोग क्या यहाँ तक सारे लोग क्लियर है, यस और नो? गिव मी अ थम्स अप समथिंग। ठीक है, चलो। तो तुम्हारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल था जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया, वही चीज इसमें दोबारा से लिखिए एक बार, सारे लोग यहाँ तक रीड करो। ये मैंने शायद होमवर्क में, मुझे कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आपको याद करने पढ़ने भी दिया था ये वाला पोर्शन। नहीं, नहीं दिया था? कोई बात नहीं, अभी कर लेते। आ जाओ डेल्टा जी वाली बात करते हैं, यहां तक देखना सारे लोग। आज पहले ये दो चीजें देख लो, फिर अपना अपन रीड करते रहना। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर डेल्टा जी की बात करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि इन सारी रिएक्शन में आपके पास इन दोनों का रोल है। आ जाओ ये देखना, व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज नेगेटिव ओनली देन द रिएक्शन विल प्रोसीड। इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस वुड इंक्रीज, देन डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव। If reactant products two are put together in the system and the net of the two possible is negative, the overall reaction will occur. कह रहा है कि अभी दो रिएक्शन लिया और दोनों रिएक्शन को एक साथ रख दिया और उसका डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन हो जाएगा,
मेन बात क्या, अभी तक इसने कुछ भी नया नहीं बोला। इस पूरे लाइन में ये लिखा है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन हो जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स कपलिंग ऑफ टू रिएक्शंस। ये अभी समझेंगे कि कैसे दो रिएक्शन को जोड़ते हैं, गेटिंग देयर सम डेल्टा जी, लुकिंग फॉर इट्स मैग्नीट्यूड एंड साइन। सच कपलिंग इज इजली अंडरस्टूड थ्रू गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस टी प्लॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। इसको ही बोलते हैं एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा है स्मेल्टिंग। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? आयरन ओर का, जो आयरन का प्योरिफिकेशन होगा जिसको ब्लास्ट फर्नेस में कहते हैं, उसमें स्मेल्टिंग होता है। आयरन ओर को लेते हैं, कोक को लेते हैं, और फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ये सीखने वाली बात है आज। फ्लक्स होता है तुम्हारे पास एडिशनल इम्प्योरिटीज जो हम खुद से डालते हैं। जैसे अभी आपने क्या किया था, SiO2 को डाला था यहाँ पर, आपने खुद से SiO2 को डाला ताकि FeO हटाया जा सके। तो ऐसी चीज जो खुद से आप डालते हो ताकि आप किसी चीज का प्योरिफिकेशन प्रोसेस को आसान कर पाओ, उसको बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी एसिडिक फ्लक्स, SiO2, P2O5। इट कैन बी अ बेसिक फ्लक्स, MnO, CaO। यही बात समझ में आई? ठीक यस सर। है। आज यहाँ पर ये भी लिखा है, देखो, ड्यूरिंग मेटलर्जी फ्लक्स इज एडेड विच कम्बाइंस विद गैंग्यू टू फॉर्म स्लैग। स्लैग सेपरेट्स मोर इजिली फ्रॉम द ओर दैन गैंग्यू। दिस वे रिमूवल ऑफ गैंग बिकम इजियर। अभी गैंग भी बोल रहा था। चलो जी, यहाँ तक देख लेना, ये एक बार रीड करो, फिर हम एलिंगम डायग्राम पे आते हैं। अगर आपने एलिंगम डायग्राम के पॉइंटर्स भी लिखने तो भी लिख सकते हो साथ साथ। डन। यस सर। आई होप सबको एक एक लाइन समझ में आ रही होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक लाइन समझना है, क्योंकि हमारा कोशिश रहेगा कि हम ये वाला जो लिखा है वो अच्छे से आ जाए, जो नहीं लिखा है उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो लिखा है उसमें हर एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए। हम याद नहीं कर रहे हैं, आप देखो। हाँ जी, टुडे चले जी आगे। यस सर। सारे लोग, बाकी सर लोग लोना शुरू करें आगे। बच्चे समीर, यस सर। यस समीर कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे ना सताक्षी है ना समीर, क्या हो गया, ये सारे लोग किधर चले गए? आ जाओ जी। तो आपके पास क्या था, हमने यहाँ तक देख लिया, अब हम एलिंगम डायग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है,
पहले मैं आपको एलिंगम डायग्राम दिखा देता हूँ, इसका पूरा कहानी समझाऊंगा, आप देखते जाओ, हम इसमें पॉइंटर्स बताता जा रहा हूँ मैं, ठीक है? सारे के सारे पॉइंटर्स समझना कि क्या है क्या नहीं। पहली चीज तो आप ये देखो, तो ग्राफ का सबसे पहला पॉइंट ये कि ये डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ, एक एक तरफ हमने डेल्टा जी लिया है, ठीक है, डेल्टा जी लिया है, और ये डेल्टा जी किसके हिसाब से लिया हमने? ऑक्सीजन के साथ, कि हम ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करें। अगर आप पूरी पूरी रिएक्शन देखो तो दिस इज ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन, देखो देखा आप लोगों को, ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन है जिसमें हमने मेक श्योर किया किया कि ऑक्सीजन एक ही यूज हो। देखो सब में एक चीज देखना, आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन एक ही यूज हो रहा यस सर, है ना? तो आपका ये डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ है जिसमें हमने मेक श्योर किया गया है ऑक्सीजन एक ही यूज हो। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है ये सारा का सारा ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। पहली चीज तो ये आती है कि सारा का सारा ग्राफ ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें बस इतना देखना पड़ेगा, दैट इज कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक? अब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में अगर आप करोगे, लेट्स से कोई भी रिएक्शन आप इसमें उठा लो जो ऊपर हमने देखी, इससे ऊपर सबसे ऊपर वाली कॉपर की देख लो, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू टू ओ, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू टू ओ, इससे मुझे देख के पता चल रहा है कि कॉपर इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज गैस, ये सॉलिड होगा, और जो सी यू टू ओ है ये भी तुम्हारे पास कैसा होगा, ये सॉलिड होगा। आपका गैस डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, गैस का कंटेंट कम हो रहा है। अगर गैस का कंटेंट कम हो रहा है तो हम बोलते हैं कि जो डेल्टा एस है वो कम हो रहा होता है। ये बात को समझते हैं, देखो बच्चे गैस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, अगर गैस ज्यादा बनेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, अगर गैस कम हो रहा है तो अरेंजमेंट आ रहा है सिस्टम में, रैंडमनेस कम हो रही है, अगर रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी जो डेल्टा एस है वो कम होने लगेगा, और ये चीज सबके साथ हो रहा है। अगर आप पूरे के पूरे ग्राफ में देखो, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको दिख रहा है कि सब में क्या हो रहा है, कि देखो आपके पास डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी तो आप लोगों को पता होगा चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, पहले गैसियस मोल्स थे 1, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में हो गए 0, तो इसमें भी आ रहा है क्या -1, इसमें करके देखोगे तो इसमें आ रहा है आपके पास 2 और -3 -1, ठीक है? तो मैक्सिमम वाले केसेस में आप देखोगे तो सब में क्या आ रहा है, एंट्रोपी जो डेल्टा एस है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 0 और नेगेटिव। क्या एंट्रोपी नेगेटिव समझ में आया मैक्सिमम केस में? ठीक यस सर, है, यस सर, अब अगर एंट्रोपी नेगेटिव है तो ये वाले इक्वेशन में अगर आप इसको रखो, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये हो गया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस माइनस प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो अगर आप डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ बनाओगे तो उसमें ये वाला पार्ट तो क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, और ये वाला पार्ट जो होगा तुम्हारे पास जो डेल्टा एस है ये कैसा होगा, तुम्हारे पास स्लोप होगा, और स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो सारा का सारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक यस सर, यस सर, है, आ जाओ इसमें एक और चीज देखना आप लोग, यहाँ पर एक ग्राफ है जो बिल्कुल सीधे जा रहा है, और ये समझ में आ रहा है क्यों जा रहा है सीधे, इसका डेल्टा ये देखो कितना है, ये तुम्हारा सॉलिड है, ये तुम्हारा गैस है, ये तुम्हारा गैस है, इसका डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 हो गया, इसका डेल्टा एन जी का वैल्यू यस 0 हो सर, गया, ठीक है? अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 हो गया तो भाई वो तो सीधा सीधा चला जाएगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच है, ठीक? नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पर देखना ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, इसमें देखो इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, देखो 1 और 2 चेंज करोगे 1 आएगा डेल्टा एस इसका, देखा देखा सबको कि ये वाले का एंट्रोपी चेंज, इकलौता ऐसा ग्राफ है यहाँ पर इस पूरे उसमें इसमें नीचे की तरफ जा रहा है। हो सकता है किसी के पास नई वाली एनसीईआरटी हो, उसमें भी लगभग लगभग ऐसी से ही ग्राफ है, उसमें थोड़े पॉइंट्स एक्स्ट्रा बने होंगे है कि नहीं है, उसमें रेड डॉट्स एक्स्ट्रा लगी होंगी, क्या देखा आप लोगों ने ग्राफ? सबके पास यही वाली एनसीईआरटी है, चलो यस सर, यही वाला है सर, यही वाला है ना, चलो जी फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्या स्लोप वाली बात में हम क्लियर है? ठीक यस सर, यस है, सर, आप एक और चीज देखना, यहाँ पर कई बार इसमें क्या हो रहा है, स्लोप पे जाते एकदम से ग्राफ ऐसे चेंज हो रहा है,
कई बार स्लोप पे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और कई बार ऐसे करके ऐसे भी जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरीके का चेंज आ रहा है, तो वो चेंज क्या बता रहा है कि आपका स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज का मतलब है कि क्या पता एमजी इस पॉइंट के बाद सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा समझ में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेट चेंज की वजह से। देर इज गोइंग टू बी अ एब्रप्ट चेंज इन द स्लोप, स्लोप एकदम से बदल जाएगा, क्लियर। स्लोप एकदम से बदल जाएगा, उसकी वजह से ये वाला काम हो रहा है। क्या कोई डाउट है किसी को? नो सर, एक और बढ़िया चीज मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए, और आगे आपको ब्लास्ट फर्नेस में तो मजा आएगा आपको ये चीज देखते हुए। अगर आप इसमें देखो, तो अगर एलिंगम डायग्राम में इसमें निकालो, तो इसमें एलिंगम डायग्राम इन्होंने कार्बन के लिए अलग से ही बना रखा है पूरा, ये देखो ना, यहाँ पर इस वाले पोर्शन को देखना, देखा ये नीचे की तरफ जा रहा है। यस सर, आज ये देखते हैं ये क्या है, ये हो क्या रहा है। इस वाले पार्ट को समझना बहुत ध्यान से। हमने देखा ये वाला एनसीईआरटी का ही ग्राफ है, हमने ये देखा था, एक ये देखा था और एक ये देखा, हमने दो ग्राफ के फॉर्म में देखा इसको, दो लाइंस के फॉर्म में। एक्चुअल में ये एक ही चीज है, और ये बताए क्या बता रहा है। इस पूरे पोर्शन को अगर मैं इन वर्ड्स पुट करूं, तो ये कहना चाहता है कि बच्चे अगर आप लोग 700 डिग्री सेल्सियस से पीछे हीट करोगे, तो जो कोयला होता है वो बर्न करके CO2 बनाता है। आई बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, आई बात समझ में क्या कह रहा हूं, अभी दिखाता हूं कैसे और अच्छे समझना। मैंने क्या बोला कि इस टेम्परेचर से नीचे अगर आप कोयले को बर्न करोगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई मैंने क्या कहा? ठीक यस सर, है, ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूं। ऐसा इस वजह से होगा कि अगर आप इस टेम्परेचर पे देखोगे और इस टेम्परेचर पे, मतलब इस रिएक्शन को देखो और इस रिएक्शन को देखो, दोनों में से डेल्टा जी नेगेटिव ज्यादा कौन सा है, ये वाला। दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी मोर फेवरेबल, क्यों? क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है, ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। हम हमेशा देखते हैं जो बर्निंग होता है, जो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं, उसमें CO2 सबसे ज्यादा बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, क्योंकि वो भी देख रहे हो आप स्पॉन्टेनियस है, -200 के आसपास है कुछ कहीं पे, बट CO2 ज्यादा कंटेंट में बन रहा है। दिखा क्या ये वाली बात तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा वो ज्यादा बनेगा। यस सर, टेम्परेचर वाली बात बता दीजिए। टेम्परेचर वाली ये देखा आपने, ये वाली लाइन देखो 710 है ये, ठीक यस है। ये कह रहे कि अगर 710 से नीचे रहोगे तो आप ये देखना, तो 710 से नीचे ये वाली लाइन का जो डेल्टा जी है दैट इज -400, और इस वाली लाइन का जो है वो -400 से थोड़ा ज्यादा ही है। इट इज गोइंग टू बी -350, -360 कुछ ऐसा है कि नहीं, ठीक यस है। तो ये कहना चाह रहा है, आप सोचो आप अगर हम नेचर के हिसाब से बात करें, जब आपने बर्निंग किया तो दो तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक है -400 वाला, एक है -350 वाला। तो -400 तो ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो गया ना, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस, मतलब उतना ज्यादा अपने आप होगा। आई बात समझ में? यस तो तुम्हारा CO2 बनता है, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे अगर बर्निंग करते हैं तो CO2 ज्यादा बनता है, CO कम बनता है। बट अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ा दो, यही तो गेम है, अगर आप इस टेम्परेचर को 710 के ऊपर कर दो, तो पता है क्या ज्यादा बनेगा? अब CO ज्यादा बनेगा। और आप जितना ज्यादा टेम्परेचर करते रहोगे ना, उतना ज्यादा CO ही बनेगा। आई बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये ग्राफ ही ऐसे बता रहा है कि इसका डेल्टा जी और निगेटिव ही होता चला जा रहा है। तो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे जब कार्बन को बर्न किया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना करेगा। यस सर, आया समझ में? अब इसको हम आगे यूज करेंगे, देखना, ठीक। तो ये तुम्हारे पास है, अगर कई बार आपको ऐसे दिखे कि कोई चीज नीचे जा रही है ग्राफ बन के, तो हो सकता है कि उसका दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका दूसरा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनने लगा हो, इसलिए कई बार ऐसे होता है। ये वाली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऊपर जाने का मतलब तो क्या हो गया कि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक यस है। और ये वाला चीज जब ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो उसमें आपका अक्सर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा होता है, ठीक है। देखो यही चीज लिखी है कि बिलो दिस टेम्परेचर द रिएक्शन टू फॉर्म CO2 इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल, बट अबव 710 द फॉर्मेशन ऑफ CO इज प्रेफर्ड, ठीक है। आया बच्चे समझ में? इसी का क्लियर है ये वाला बात? यस सर, चलो एक और चीज देखते हैं। अभी हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, देखो सारे के सारे एलिंगम डायग्राम के जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ सब बिल्कुल टॉप नॉच है।
ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ है एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन, ठीक। और इसमें अगर आप देखो तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप डेल्टा एस नेगेटिव है, तो स्लोप ओवरऑल कैसा निकल के आ गया, पॉजिटिव आ गया। और अगर स्लोप पॉजिटिव निकल के आ गया तो आपका ये चलेगा, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो देर इज गोइंग टू बी निक्स, थोड़े से ऐसे चेंज होगा स्लाइड, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कि एकदम से यहाँ पर क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। एक और चीज देखना, इस पूरे के पूरे ग्राफ को आप लोग ऑब्जर्व करना थोड़ा सा। अगर आप इस पूरे ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा होगा ये सारा का सारा ग्राफ ऐसे चलते हुए जाएगा, और अगर आप इसे और एक्सटेंड करो तो कभी ना कभी ये जीरो वाली लाइन को टच करेगा। वन मोर फन फैक्ट, ये पूरा का पूरा ग्राफ नेगेटिव वाई में बना हुआ है, देख रहे हैं आपको, नेगेटिव वाई में बना हुआ है। और ये यस नेगेटिव वाई में बना हुआ है, इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी हमने बोला कि ऑक्साइड फॉर्मेशंस अच्छे होते हैं, ऑक्साइड के जितने फॉर्मेशन से रिडक्शन तो सारे बढ़िया होते हैं, कि वो एनर्जेटिकली फेवरेबल होते हैं, मतलब कि आप ऑक्साइड में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना चाहोगे वो हो जाएगी, और अगर वो हो जाएगी मतलब वो स्पॉन्टेनियस, और अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो उन सबका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पूरा डेल्टा जी नेगेटिव, क्या ये वाली बात समझ में आई? अब इसी में आप देखो कि अगर आप इस ग्राफ को बढ़ाते रहोगे तो ये सारे, सॉरी, ये सारे के सारे ग्राफ आपका जीरो को टच करेंगे। इस बात का मतलब पता है क्या? इस बात का मतलब है कि देर इज गोइंग टू बी अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि अगर आप कभी हीट करते रहो ना किसी भी चीज को, इसके लिए बात करते हैं, लेट्स से CO2O के लिए बात करते हैं, देर इज गोइंग टू बी अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे CO2O को हीट किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली खुद से ब्रेक ब्रेक डाउन कर जाएगा। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन होगी। अगर डेल्टा जी जीरो है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो CuO टूट जाएगा। नई बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ? देखो यस सर, यस सर, तो हर एक टेम्परेचर पे, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, वाई आर वी डूइंग इट, मैं वो समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं अभी, कि हर एक चीज को आप तोड़ सकते हो। देर इज नो रिक्वायरमेंट किसी रिडक्शन की, आप बस हीट करो, और हीट करके ही हर चीज को तोड़ा जा सकता है, बट वो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स आर गोइंग टू बी वाइल्डली हाई, इतना ज्यादा हाई होगा कि दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और अगर हमने प्रैक्टिकली पॉसिबल कर भी दिया तो इट विल बी इकोनॉमिकली नॉट पॉसिबल, कि आप करोड़ 2 करोड़ रुपए सिर्फ आप जलाने में और टेम्परेचर लगाने में ही खर्चा कर दे रहे हो। आई बात समझ में? तो आपके पास क्या होगा कि ये जितना भी आप इसको देख रहे हो सब एक टेम्परेचर पे जाके, सब कुछ एक टेम्परेचर पे जाके खुद से ब्रेक डाउन कर जाएगा, बट वो टेम्परेचर इतना हाई है कि हम उस चीज को यूज नहीं कर सकते। वी नीड समथिंग एल्स, हमें रिडक्शन भी करना है और हमें तरीका भी दूसरा चाहिए जिसमें एनर्जी भी कम लगे, पैसा भी कम लगे। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, तो अब ना लोगों ने क्या निकाला, लोगों ने जो निकाला उसके लिए मैं आपको यहां पर बताता हूँ। इस वाले पॉइंट को देखना आप, मैं ये दो रिएक्शन को आपको पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ, ठीक है। इस दो रिएक्शन को ऐसे मैंने लिया, तो लेट्स से इसका कुछ डेल्टा जी होगा, इसका कुछ डेल्टा जी होगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों का कुछ कुछ डेल्टा जी है, मैं दोनों रिएक्शन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों रिएक्शन को लिख दे रहा हूँ, दोनों का कुछ कुछ डेल्टा जी है। कोई मुझे पढ़ के बताएगा दोनों में क्या है? एक में क्या है, Al2Al कितना बना रहा है, 4/3 है, ये 2Al2O3 है, 2/3 Al2O3 ऐसे कुछ है, ठीक यस सर, है। और दूसरी रिएक्शन क्या है, Mg+O2 गिव्स MgO, ये कितना है तुम्हारे पास, 2 टाइम्स, और ये हाफ है, क्या है ये, ऐसे कुछ है रिएक्शन टू क्या है? अच्छा टू ये भी एम 2 जी है, गिव्स टू एम जी ठीक है। अब आपके पास ये, और हम क्या देखना चाहते हैं, हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से मैं रिडक्शन की बात करूं तो आपके पास क्या होगा, रिडक्शन के लिए मैं इस रिएक्शन को क्या कर रहा हूँ, इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ, इसका कुछ डेल्टा जी होगा, आई डोंट नो इसका कितना डेल्टा जी होगा। अगर ग्राफ को देखें एंड अप्रोक्सीमेट करें तो लेट्स से मैं -1000 लेके चल रहा हूँ, -1000 है नहीं, उससे थोड़ा आसपास है, बट लेट्स से मैं -1000 लेके चल रहा हूँ, और इसके लिए जो डेल्टा जी है वो -1100 है। पहले यहां तक देखो, क्या ये वाली बात समझ में आई, जो ग्राफ में लिखा है बस वो लिखा मैंने, यस ठीक है, लोना कोई दिक्कत यहां तक? नो सर
ठीक है। अब देखना तुम्हारे पास क्या हुआ कि जो आपका पहली वाली रिएक्शन है ना उसको पलट दो। अगर पहली वाली रिएक्शन को पलट दूंगा तो ये बनेगा 2/3 Al2O3 और दिस विल गिव यू 4/3 Al+O2। ये आएगा 2/3 Al2O3 विल गिव यू 4/3 Al+O2 और इसका जो डेल्टा जी आएगा दैट इज गोइंग टू बी +1000 क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स करने पे डेल्टा जी का जो साइन है वो बदल जाएगा। अब यहां पर अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो O2 से O2 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड लिखे हैं, एक प्रोडक्ट में लिखा है और एक रिएक्टेंट में लिखा है। और जैसे ही आपने रिएक्शन ये लिखा तो ये हो जाएगा 2 Mg+2/3 Al2O3 विल गिव यू 4/3 Al+2 times of MgO एंड इसका जो डेल्टा जी आएगा ओवरऑल नेगेटिव आएगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है? यहां तक बताओ सारे लोग, समझ में आया? यस सर, यस। और ये बात बताए क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि आपका मैग्नीशियम को अगर आपने यूज किया, इट इज नॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर आप मैग्नीशियम को यूज करोगे टू रिड्यूस Al2O3 तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। और इसको ना लोग जनरलाइज करके इस तरीके से बोलते हैं इस ग्राफ में, जो भी चीज नीचे है, जो भी चीज नीचे है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक चीज ना लोग गड़बड़ाते हैं, लेट्स गो मोर स्पेसिफिक। मैं ये कह रहा हूं कि Mg ना Al2O3 को रिड्यूस कर देगा। आया बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? Mg Al2O3 को रिड्यूस कर देगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर आपने जिंक लिया तो जिंक ना CO2 को रिड्यूस कर देगा, ठीक यस सर, है, Fe ना CU2O को रिड्यूस कर देगा। ये वाली बात कर रहा हूं मैं कि ऐसे जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, हम ये बोलते हैं। और उसमें क्या मतलब है अब मैं आपको बता चुका हूं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखो तो आप खुद बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होना चाहिए, इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ए में क्या होना चाहिए? सर मतलब रिएक्शन रुक जाएगी और एल और मतलब डेल्टा एक जी जीरो हो जाएगा, यस डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। देखिए, नहीं, डेल्टा जी जीरो का मतलब रिएक्शन नहीं हो रही, बात यस खत्म, ठीक है। और अगर आप इसमें देखो यहां पर डेल्टा जी पे अगर रिएक्शन नहीं हो रही, इसके ऊपर जो है ना तुम्हारे पास, इसके ऊपर उलट जा रहा है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपने रिएक्शन कराया तो Al+MgO किया ना, तो ये बन जाएगा आपका Al2O3 and Mg। इसके ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर आपका एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है और उसके नीचे आपका मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस करता है। क्या ये वाला फंडा समझ में आया, रिएक्शन यस सर, वाला? ठीक है, अब ये वाली लाइन समझ में आई कि वो लोग क्या कह रहे थे कि ये जो कपलिंग करते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये कह रहा है इफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू आर पुट इन द सिस्टम द नेट डेल्टा शुड बी द ओवरऑल रिएक्शन, सो द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व कपलिंग ऑफ टू रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, गेटिंग द सम ऑफ देयर डेल्टा जी हमने जोड़ा था, लुकिंग फॉर इट्स मैग्नीट्यूड एंड साइज, सच कपलिंग इज इजली टू अंडरस्टूड थ्रू दिस। वो यही कह रहे हैं कि अगर आप ग्राफ बना लोगे तो आप तुरंत देख के बता सकते हो किसका किसके साथ रिएक्शन है। ये वाली बात समझ में आई यस सर, बाकी सारे लोगों को? सही। यस सर, हाँ जी, बोलो बोलो, किसी सर का ये आपको बात कोई? उन्हीं के लिए वैलिड है ना जिनका स्लोप एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है। नहीं, ये वाली बात ना, ये वाली बात तो इसके लिए नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सर वाले के नीचे आप, वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा। हाँ नहीं, ये, हाँ देखो, ये तो पूरे ग्राफ में वैलिड है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा, हमेशा वैलिड है ये। तो अब यहाँ पे पलट जा रही है वो बात, कोई बात नहीं, बट नीचे वाला ऊपर वाले को हमेशा रिड्यूस करेगा, पूरे ग्राफ में वैलिड है। आप बोलो सर मैग्नीशियम इसको ऊपर में जितने भी सबको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, यही पूछ रहे आप, और अच्छे से पूछ लो। अगर ये सी चीज नहीं था तो आप अपनी तरफ से बता दो, मैं इसको और अच्छे से बता नहीं दूंगा। सर, आ गया? चलो जी, यस अब सर, आपका कार्यक्रम है, आप लोग का ये येलो वाला बॉक्स अपने आप पढ़ने का पूरा। और यहां पर मैं आपको, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने लिमिटेशन में कौन से दो अच्छे पॉइंट पढ़े। और एक और चीज, एक और लास्ट बात, फिर मेरा ऊपर के तो पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें यह भी लिखा है कि अगर आप डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ बनाओगे फॉर सल्फर, तो सल्फर के साथ क्या होने वाला है कि
आपका ये गड़बड़ा जाएगा। ये गड़बड़ा कैसे जाएगा कि जितने भी इस बार आप ग्राफ बनाओगे ना, उनका ये जीरो से ऊपर बनेगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव बनेंगे। तो शुरुआत में ही बोल रहा है कि इट इज नॉट फीजिबल, तो यही चीज लिखा हुआ है, सिमिलर ग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर सल्फाइड्स एंड हैलाइड्स एंड इट बिकम्स क्लियर बाय रिडक्शन ऑफ एम एक्स एस इज डिफिकल्ट देयर डेल्टा एफ डी नॉट ऑफ एम जी एक्स इज नॉट कंपनसेटेड। ये ऐसे बता रहा है, कुछ कंपनसेट नहीं हो रहा। चलो जी इसको रीड करो। सर, जो हम रिएक्शन करवाए थे Al2O3 और जिंक की हमने कराई थी, तो सर इसके अंदर दोनों सॉलिड स्टेट में होने चाहिए, फिर मतलब उनमें से एक कोई लिक्विड में होगा या फिर गैस में, नहीं ऐसा तो कुछ? हम तो दोनों सॉलिड स्टेट में ही लेके चलते हैं। तो ये दोनों सॉलिड स्टेट में लेके चलेंगे, और ये इसका वो है, इसका ड्रॉबैक है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कि हमारे पास द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 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 इज प्रोडक्ट एंड इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज द रिएक्टेंट प्रोडक्ट मे बी सॉलिड। हाउएवर इट एक्सप्लेन्स द फॉर द हाउ एंड द रिएक्शन इज स्लगिश इन सॉलिड स्टेट एंड स्मूथ व्हेन तो हमारे पास द ओवर मेल्ट्स डाउन। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ये सब लिखा हुआ है, हम सॉलिड में ही लेके चलते हैं। ठीक है, अगर कोई मेल्ट कर गया बट सॉलिड में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्शन का जो रेट होगा वो काफी स्लो होता है। तो सॉलिड में वो हो जाते हैं रिएक्ट वैसे? बिल्कुल, वैसे तो सॉलिड में एग्जैक्टली सॉलिड नहीं रहेंगे ना, बिल्कुल पत्थर नहीं होंगे। आप जब हीट करना शुरू करोगे तो वो लावा मोल्टेन फॉर्म में आना तो शुरू हो ही जाता है। ठीक है, बट रिडक्शन रिएक्शन की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर आपने ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम के साथ देखा, आप समझ नहीं रहे हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि मैग्नीशियम को डाला तो फिर हुआ क्या, वो सॉलिड स्टेट में, तो वो सॉलिड स्टेट में ही डल रहा है। ठीक यस सर, है, वो सॉलिड स्टेट में ही डल रहा है। ओके सर। अच्छा यस सर। लिमिटेशंस में एक लाइन है, बोलो। सर ये स्लगिश और स्मूथ वाली सेकंड पॉइंट में जो लास्ट में लिखा है। देखो वो ये कह रहा है, पहले तो उसमें ये बोला लिमिटेशन में कि यही गड़बड़ है कि इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो सॉलिड का तो वन हो जाता है ना। तो कह रहा है जब सब कुछ सॉलिड में है तो रिएक्शन, वही चीज जो ये बोल रहा है, जो सब कुछ सॉलिड वाली बात है, बिल्कुल वही बात है कि सब कुछ सॉलिड है तो रिएक्शन बहुत स्लो चल रही है।
मोमेंट कोई गलना शुरू हो जाता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, ठीक है? और द रिएक्शंस आर स्लगिश व्हेन एवरी स्पीशीज इन सॉलिड स्टेट। हाउएवर इट एक्सप्लेन्स, ये बता रहा है कि ये क्यों है, ये बता रहा है कि रिएक्शन आपको जो सॉलिड सॉलिड कहाँ बच्चे रिएक्ट कर पाएंगे, सॉलिड सॉलिड अपने आप मूव नहीं करेंगे जब तक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, तब तक रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है? आया समझ में? ठीक है। एंड स्मूथ व्हेन द ओर मेल्ट्स डाउन, वो यही कह रहा है कि रिएक्शन स्मूथ होना शुरू हो जाता है। एक और चीज, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वैल्यूज फॉर एनी केमिकल रिएक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट इवन एट वेरिंग टेम्परेचर्स। So the only dominant variable in this equation becomes T. However, delta S depend on a physical state of the compound. Since entropy depends on the disorder of the system, it will increase if the compound melts. देखा? और vaporizes. अब ये सारा का सारा वही चीज है, अगर आपको रीड करना हो तो आप इसे रीड कर सकते हो आराम से, ये वही वाली बातें लिखी हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसे एक बार रीड करो। एक चीज ये देखना आप, यहाँ पर ये देखो ये चीज है, ऑल्दो थर्मोडाइनेमिकली फीजिबल इन प्रैक्टिस मैग्नीशियम मेटल इज नॉट यूज फॉर एलुमिना इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम वाई, और इसमें सीधे लिखा है द प्रोसेस विल बी अनइकोनॉमिकल। देख रहे ना आपको, तो प्रोसेस कई बार इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल, पैसा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए नहीं करता। बात खत्म। चलो जी, आयरन के बारे में लिखा हुआ है, अब आयरन ऑक्साइड के बारे में पूरा बात करते हैं। ये आयरन ऑक्साइड के लिए तुम्हारा पूरा बनाया था। आज इन ब्लास्ट फर्नेस की बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस करते हैं, फिर आज का टॉपिक खत्म करते हैं। शुरू करें ब्लास्ट फर्नेस, बता देना। ये पेज आपका रीड करने का कार्यक्रम है, पूरा वही चीज है जो मैंने आपको पूरा समझाया कि कैसे डेल्टा एच ऊपर गया, उसको घुमाया, घुमा के ऐड किया तो डेल्टा एच नेगेटिव आने वाला है, तो वो सब चीजें लिखी है। क्लियर? यस सर, चलो जी, आ जाओ जी। तो तुम्हारे पास यहाँ पे मजेदार सा चीज शुरू होने वाला है ना, आपको मजा आ जाएगा ब्लास्ट फर्नेस पढ़ के। सुनते रहना आप, ब्लास्ट फर्नेस। पहले तो आपको ब्लास्ट फर्नेस कौन सा प्रोसेस है, इट्स अ स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम क्या क्या लेते हैं, मेटल ओर, मेटल ओर के साथ क्या लेंगे, कार्बन, कार्बन के साथ और क्या लेंगे, और फ्लक्स। ठीक, तो आपने इस बार मेटल ओर को जब आपने लिया तो वो मेटल ओर आपके पास कौन सा है, दैट इज Fe2O3। ठीक, Fe2O3 इस और भी ले सकते हो, ठीक है, हेमेटाइट, मैगेटाइट, ये जितने भी ओर्स हैं तुम्हारे पास, प्लस कार्बन आपने लिया, कार्बन इज कोयला, एंड फ्लक्स जो आप ले रहे हो वो ले रहे हो CaCO3। पहले ये बात बताओ, क्या ये समझ में आई? ये तीन चीजों को लेके ब्लास्ट फर्नेस में समान चालू करते हैं। ब्लास्ट यस फर्नेस कुछ इस तरीके से होगी कि आपने यहाँ पर कुछ ऐसे करके, ये यहाँ पर ये खाली जगह जगह होती है, ऐसे करके आप समझ सकते हो, ये पूरा चेम्बर टाइप का होगा, ठीक? और यहाँ पर ऊपर से हम चीजों को डालते हैं, सारा का सारा ऊपर से डालते हैं, एंड जैसे जैसे ऊपर से डालते हैं नीचे से हम हवा पूरा पास करते रहते हैं, एयर के झोंके देते हैं, झोंके के एयर को मारा जाता है खूब तेज तेज। तो एयर को जब आप मारोगे, सामान आप ऐसे ऊपर से गिराओगे तो जो कोयला होगा वो जलेगा, अगर कोयला जलेगा तो टेम्परेचर बनेगा, हीट निकलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे जाते हुए टेम्परेचर आपका बढ़ता रहता है लगातार, ठीक है? क्या कुछ इस तरीके से ये वाली बात कह रहा हूँ, एक बार बताओ क्या ये समझ में आया? ठीक यस सर, है, यहाँ पर उन्होंने जगह दी एग्जॉस्ट गैस इसको निकलने के लिए, तो आप सारा का सारा सामान डाल लो, इसको बोलते हैं चार्ज या फिर इसको बोलते हैं फीड। इस हम इंडस्ट्री के टर्म में कई बार चार्ज लिखा होता है, फीड लिखा होता है, तो जो भी सामान डालोगे उसको चार्ज या फीड बोलेंगे। आपका ये सारा का सारा इसमें गिरना शुरू हो रहा है, ठीक? जैसे गिरना शुरू हो रहा है ये इसमें जलेगा, जलेगा टेम्परेचर आएगा, इसमें जो नीचे वाला टेम्परेचर होता है जहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पहुंच रहा होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाइएस्ट होता है, ऊपर टेम्परेचर लोएस्ट होगा कंपैरेटिवली। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर, आ यस जाओ सर, जी, अब देखते हैं रिएक्शंस मेरे को कैसे याद है और आपको कैसे याद हो जाएंगी वो देखते हैं। जरा बच्चे ये बताओ, आपको मैंने अभी समझाया था कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है, 700 के आसपास टेम्परेचर है कि नहीं, 1000 के ऊपर ही शुरू हो रहा है सब कुछ, है कि नहीं? 1023, 600 700 के ऊपर है। आप एक चीज बताओ, जो कोयला जलेगा वो किस में बनेगा, CO या CO2 में? CO2, CO ओ CO, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर है कि नहीं?
यस सर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके बस एक। हाँ जी, तो हमारे पास ये था, यहाँ पर आपने देखा तो सी प्लस ओ टू गिव सी ओ, ये वाली बात समझ में आई, सी यस सर। प्लस ओ टू, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर तो सी ओ बन रहा था, अब जो सी ओ है, सी ओ किसको करेगा? यहाँ पर एक और चीज, वापस से इसको ग्राफ को देखना, जो सी ओ है, सी ओ इज गोइंग टू रिड्यूस, ये देखो सी ओ इज गोइंग टू रिड्यूस एफ ई ओ और इवन एफ ई टू ओ थ्री, ये वाला जो ग्राफ है वो एफ ई टू ओ थ्री के लिए, बट ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि सीओ नीचे है, नीचे आयरन को रिड्यूस कर देगा, देखा देखा यस सर। ना सबको, सीओ तुम्हारा आयरन को रिड्यूस यस करेगा, सर। ठीक। अच्छा ठीक है, तो आपके पास एफ ई टू ओ थ्री है, ये ध्यान से देखना, एफ ई टू ओ थ्री का मतलब है एफ ई टू प्लस, एफ ई थ्री प्लस में। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करना शुरू करोगे तो कई बार एफ ई प्लस टू में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा एफ ई पहली बार में एफ ई में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर पूरी रिएक्शन में स्टेप्स हैं, एफ ई प्लस थ्री रिड्यूस होके एफ ई प्लस टू में जाएगा, और जब आप एफ ई प्लस टू को रिड्यूस करोगे तो वो एफ ई बनाएगा, ये मेजर केस है, क्या ये बात समझ में आए? तो आपके पास जो एफ ई टू प्लस में जो जा रहा है, एफ ई टू प्लस में, मान लो सारा का सारा बच्चे नहीं हुआ, आपने इसके 100 लिए एंड 100 में से 20 गॉट कन्वर्टेड एंड 80 आर लेफ्ट, तो यहाँ पर एफ ई टू ओ थ्री आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा और बचा हुआ? यस अगर सर। ये बचा हुआ होगा तो इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एफ ई थ्री ओ फोर। अब आपको पहली रिएक्शन एनसीईआरटी की समझ में आएगी, ये क्या है एक बार देखना जरा, क्या आपको समझ में आ रही है पहली रिएक्शन क्या है? यस सर। यस सर। रोना, आपको समझ में आया है सर। ना? आपको लग नहीं रहा? अब याद नहीं करना पड़ेगा, मैंने भी याद नहीं किया, मुझे भी नहीं पता कौन सी रिएक्शन होने वाली, बट मुझे ये पता है कि तरीका ऐसे होता है। अब देखना तुम्हारे पास क्या है नेक्स्ट, आपके पास जो एफ ई ओ, एफ ई टू ओ थ्री में तुम्हारा जो एफ ई ओ है, उस एफ ई को जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस करोगे तो एफ ई बनाएगा, ठीक है। तो आप इसको लगातार अगर करते रहोगे तो जो एफ ई ओ भी था वो भी सी ओ के साथ एफ ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और कई बार इसको सीधे लिख देते कि एफ ई ओ प्लस एफ ई टू ओ थ्री जो कि एफ ई थ्री ओ फोर होगा, ये पूरा का पूरा अगर खूब सारा कार्बन मोनोऑक्साइड ले लोगे जो 4 टाइम्स है तो ये भी एफ ई में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में? ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, पहला यस रिएक्शन समझ में आया, तीनों रिएक्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। प्लीज। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ आगे चलते हैं, आगे तुम्हारे पास क्या है, इसी में आप देखो तो आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि सर यहाँ पर जो आयरन है ना, जो एफ ई का जो ओर होता है एस आई ओ टू, तो मिट्टी है तुम्हारा, सिलिकॉन कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है, मिट्टी तो भाई भर भर की होगी ओर में, थोड़ी बहुत तो बची जाएगी, एस आई ओ टू तो मिल ही जाता है, तो एफ ई के जो ओर होते हैं उसमें एस आई ओ टू प्राइम इम्प्योरिटी होता है, बहुत सारा इम्प्योरिटी होता है एस आई ओ टू का। आप अभी देखो जो एफ ई ओ है और जो रस्ते में बन रहा है उसमें एस आई ओ टू अगर मिल गया तो ये तो स्लैग ऑफ कर जाएगा, एफ ई एस आई ओ थ्री बना लेगा, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो चौपट हो गया। आप एफ ई का रिडक्शन कर रहे हो, आप आयरन को निकालने की कोशिश कर रहे हो और आयरन एस आई ओ टू के साथ मिलकर स्लैग बना लिया, वो तो सब चला गया, तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला रिएक्शन ना हो, शुरुआत में नहीं करेगा वो, शुरुआत में नहीं करेगा, आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं करेगा? एफ ई टू ओ थ्री में, एफ ई प्लस थ्री में अभी ये एसिडिक है, अभी नहीं करेगा, बट जब बीच में एफ ई ओ बनेगा तब चांस है कि तुम्हारा एस आई ओ टू इसके साथ रिएक्ट कर जाए। हमने क्या किया था, ये वाली बात को जानते हुए ही सी ए सी ओ थ्री डाला था, जैसे ही आपके हाई टेम्परेचर पे पहुंचेगा ये सी ए ओ प्लस सी ओ टू बना लेगा। अब आप एक चीज बताओ बच्चे, एफ ई ओ और सी ए ओ में आपको क्या लगता है ज्यादा बेसिक कौन होगा? अल्कलीन, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है कि नहीं होता है? कैल्शियम, यस सर। यस सर। अल्कलाइन, ये मोर बेसिक है, अगर ये ज्यादा बेसिक होगा तो अगर एस आई ओ टू को चूज करना हुआ तो वो किसके साथ जाएगा, वो स्ट्रॉन्गर बेस के साथ नहीं रिएक्ट करेगा,
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली बात नहीं हो गई, ठीक यस है। और अब तुम्हारा SiO2 इसके साथ रिएक्ट करेगा और FeO को छोड़ देगा कि जा छोड़ दिया मैंने भाई, तेरे में उतना दम नहीं, ठीक है। CaSiO3 आया समझ में। अब ये स्लैग बन गया, आपका आयरन पूरा प्रोटेक्ट हो गया, और आयरन के साथ आपने जब इसको फर्दर उस कार्बन मोनोऑक्साइड जो नीचे से ऐसे बन रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बना तो ये Fe में कन्वर्ट हो गया और सी बना लिया। एक और चीज है, बिल्कुल ही लोअर स्टेप्स में ऑफ दिस रिएक्शन कई बार Fe को डायरेक्टली कार्बन ही रिड्यूस कर देता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, और ये Fe+CO बन जाता है। क्लियर? कोई डाउट है बच्चों? सर, लेकिन जो हम दूसरा CaCO3 डाल रहे हैं उसकी भी तो कॉस्ट होगी, मतलब फिर कॉस्ट इफेक्टिव चूना कैसे? सस्ता है, चूना है बच्चे, वो चूना अच्छा कैल्शियम इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इस यूनिवर्स में, ठीक है, यस आफ्टर। हाँ तो पता है, तो फिर उसमें कोई दे चूना 1-1 रुपए के उसमें पुड़िया में बिकता है कि नहीं? यस सर, चलो जी, पहले यहाँ तक इसको रीड करो, यहाँ पर इसको देखो, रिएक्शंस देखो सारी, और अब आपको बताओ कि आपको याद तो नहीं करनी पड़ी ना रिएक्शन, या करनी पड़ी? अरे यार बेटा, हाँ या ना तो बता दो। नो सर, सर पिग आयरन क्या है? ठीक आ जाओ, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी ऊपर तक पढ़ो बस। स्लैग इज इन द मोल्टन स्टेट, स्लैग का डेंसिटी कम हो गया ना तो स्लैग ऊपर आ जाता है, जो मोल्टन आयरन होगा वो नीचे आ जाता है। अभी भी अगर आप देखोगे तो इतना सब कुछ आप डाल रहे हो इसके अंदर, तो इतना सब कुछ भर भर के डालने की वजह से क्या होता है कि ये जो आयरन आपका नीचे निकलता है ना, इसमें अभी भी इम्प्योरिटीज होती है, और वो लिखी हुई है इम्प्योरिटीज की, इसमें सल्फर होगा, ये फॉस्फोरस होगा, सिलिकन होगा, मैंगनीज होगा, कार्बन भी प्रेजेंट होता है। एक बढ़िया पॉइंट बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही मस्त सा। जो कार्बन होता है ना, कार्बन अगर है, इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ। हम कार्बन डालते हैं चीजों में जान के, ताकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ पाए। तो जितना ज्यादा परसेंटेज कार्बन होगा उतना ज्यादा कई बार स्ट्रेंथ निकल के आता है। यहाँ पे जो 4% कार्बन है, दैट इज नॉट सो गुड। क्यों? क्योंकि 4% कार्बन पे आपको लग रहा है सर 4 ही%, नहीं बेटा, 4% पे इसके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है ना वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे सॉलिड ब्लॉक ऑफ मास होगा, ऐसे बिल्कुल लोहा थड़ैप से गिरेगा, और आप उसमें हथौड़ा मारोगे कुछ होगा ही नहीं, प्रैक्टिकली यू कैन नॉट वर्क विद इट। वर्क करने का मतलब क्या है कि अभी आप इसको शेप नहीं दे सकते, अभी आप इससे कुछ बना नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज कार्बन को कम करना पड़ेगा। अगर उसको कम करोगे तो उसके अंदर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, या सिंपल बोलू स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो ये जो मेटल है ये और लचीला हो जाएगा, मतलब इसको अब आप मोल्ड कर सकते हो, इसे फोल्ड कर सकते हो, इसको शेप्स दे सकते हो, और इसीलिए इसका नाम रखा जाता है कास्ट आयरन। कि अगर आपने इसके अंदर थोड़ा सा कार्बन कम कर दिया तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, या स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और अब आप इसे वो कर सकते हो। हम इसे पिग आयरन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे गंदा वाला आयरन होता है जो डायरेक्टली फर्नेस से निकलता है। क्लियर? क्लियर बच्चे? कास्ट आयरन इज यस सर, डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन एंड इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप एंड कोक विद हॉट एयर ब्लास्ट। इट हैज स्लाइटली लोअर कंटेंट अबाउट दिस एंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। आप सोचो जब 3% है तो एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल है, तो थिंक अबाउट कि वो जब 4% रहा होगा तो कितना होगा। आपने ये चीज याद रखना है, लॉजिक है उसके पीछे कि उसका नाम कास्ट आयरन क्यों है। क्योंकि
क्योंकि अब उस पर कास्टिंग किया जा सकता है। कास्ट का मतलब होता है मोल्डिंग इनटू डिफरेंट शेप्स। लास्ट तुम्हारे पास क्या है, रॉट आयरन और मेलिएबल आयरन। आप उसको देखो ना, आप कर क्या रहे हो, फंडा क्या था, कार्बन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपने और कम कार्बन कर दिया, अब वो और मेलिएबल हो गया है। इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन एंड इज प्रिपेयर्ड बाय कास्टिंग बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन रिवर्बरेटरी फर्नेस लाइंड विद हेमाटाइट। ये रिएक्शन है। लाइमस्टोन इज एडेड एट फ्लक्स एंड सल्फर सिलिकॉन फास्फोरस आर ऑक्सीडाइज्ड एंड पास्ड इनटू स्लैग। द मेटल इज रिमूव्ड एंड फ्रीड फ्रॉम द स्लैग बाय पासिंग थ्रू रोलर। ये वाली बात समझ में आई? यस सर, एक बार यहाँ तक आप इसे रीड करके देखो, ठीक है? फिर हम इसमें आगे चलते हैं। आज ये वाला पोर्शन तो खत्म करेंगे, फिर हमारा बस थोड़ा सा रह जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमें सही टाइम मिला, बस 2 से 3 पेज का रह गया चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे और पी ब्लॉक के ट्रिक्स से भी शुरू करेंगे। पहले नेक्स्ट क्लास का जो वो है वो बताओ कब रखूँ मैं? जब नेक्स्ट टाइम मैं संडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा तो हम इसीलिए उसको वीक के बीच में, आप बताओ किस दिन रखेंगे? हाँ फ्राइडे रख लो सर। फ्राइडे फ्राइडे रख लें, ठीक है? सुबह सुबह रखते हैं पहले। वेडनेसडे का तो क्या तुम लोग का टेस्ट है? वेडनेसडे सुबह रखना है, कब रखना है? नहीं है टेस्ट सर, हमारा है टर्म टेस्ट। ओके तो वेंसडे रात में ही रख लेना, क्योंकि 7:30 तक हो जाएगा टेस्ट। अगर ऐसा है तो वेंसडे रात वाला तो फिर डन ही रखते हैं। फिर वेडनेसडे रात और फ्राइडे सुबह करके हमारा 2 क्लास हो जाएगा इस चैप्टर का। फिर अगले वाले का पी ब्लॉक भी हमारा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ओके ना? फ्राइडे का रखते हैं। फ्राइडे सुबह 7 तक तुम्हारा स्कूल है? रात सर, यस सर, फ्राइडे सुबह तो स्कूल रहेगा, रात को रख सकते हैं? को, रात को सारे लोग बताओ, रात को रख सकते हैं यस सर, किसी का? 8:30 बजे रात को रख यस सकते हैं, सर, 8 साढ़े 8 तक, ठीक है? चलो जी, बाकी सारे लोग जब ये वीडियो देखेंगे तब वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक एंड सर है? वेडनेसडे क्लास को भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो या तो हम मतलब कि टाइम उसका थोड़ा करें 7 बजे के करीब से। बच्चे 7 बजे मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं जिधर से जाता हूँ और आता हूँ वहां से मैं 7:30 बजे फ्री हूँ, मुझे 8 तो बज ही जाएगा घर आते आते, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है? मैं ट्राई करूंगा, अभी हम देखते हैं सारे लोग मिलकर बात करते हैं। अगर ऐसा होगा तो या तो सुबह सुबह मैनेज हो सकता है वो, तो सुबह तुम्हारा स्कूल सुबह भी स्कूल होगा। होगा? यस सर, कोई नहीं है, इसको शाम को इस बार का देख लो, फिर अगली बार हम कर लेंगे, ठीक है? मैं ओके कोशिश करूंगा सर, 9 बजे कर ले, ठीक यस सर, कोई बात नहीं। है? 9 बजे कर ले, बाकी लोगों से बात ना, 9 बजे तो मैनेजेबल हो जाएगा सबके लिए, 9 से 10 साढ़े 10 तक। फ्राइडे को चलो ठीक है, देखेंगे 9 बजे वाला फाइनल करते हैं, अभी वेडनेसडे का आ जाओ, आगे देखते हैं सारे लोग। यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को स्मेल्टिंग वाली बात बताई थी, यहाँ पर भी ये भी स्मेल्टिंग, ये कॉपर का चल रहा है। पहले भी अभी बीच में कॉपर समझाया था कि Cu2S वाले के साथ क्या होगा, पूरा यही वाली बात है। अगर Cu2S में वो किया तो थोड़ा बहुत CuO में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? और फिर उसको हम कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं और SiO2, ये देखो Fe+ SiO2 SiO3 बनाएगा। ये वाली बात समझो, देखो इधर देखना, आपके पास मैक्सिमम क्या हो रहा है, जब आपने शुरू किया था Cu2S में जिसमें FeS वाज इम्प्योरिटी, आपने SiO2 डाला था और ऑक्सीजन के साथ हीट किया। जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो Cu2S काफी सारा बच गया था एंड थोड़ा बहुत FeS भी बच गया था, और इसको हम क्या बोल रहे थे, कॉपर मैट, याद है? कॉपर मैट। अब यस क्या सर, हुआ कि अगर आप इसको और फर्दर रिएक्शन कराओगे, और फर्दर रिएक्शन कराने से क्या होगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा Cu2O। इधर देखना, ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन के साथ ये Cu2O एन एस ओ टू, Fe+S+O2 गिव्स FeO, एंड FeO जितना तुम्हारे पास और जो बचा कुचा FeO है वो तुम्हारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लैग में, कि Fe+S+O2 गिव्स Fe2O
एंड ये FeO जो बचा हुआ है वो SiO2 के साथ स्नैग कर लेगा। एक और चीज इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है CO2O जो नया बन रहा है, और ये CO2S जो बन रहा है ये खुद से ही कार्बन रिडक्शन करना शुरू कर देता है। इसको बोलेंगे सेल्फ रिडक्शन, देखा। और ये सेल्फ रिडक्शन का कॉपर के साथ ही पॉसिबल क्यों है, क्योंकि कॉपर का जो अगर आप SRP वैल्यू देखोगे दैट इज पॉजिटिव में, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो काफी ज्यादा होता है, कॉपर को रिड्यूस करना आसान होता है, एंड इसी वजह से पुराने जमाने से हम कॉपर को यूज कर रहे हैं। और आपको पता है कॉपर को पहले कैसे प्योरीफाई किया जाता था, सब कुछ किया ऐसे ही, और कॉपर को आपने ऐसे लिया, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर को हीट किया ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड को लेके आपने बैम्बू स्टिक लिया, बैम्बू स्टिक, और इस बैम्बू स्टिक को लेके आप इसको ऐसे ऐसे चलाने लग गए, ठीक है। ऐसे आ रहा समझ में, मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे वो मिठाई की दुकान में दूध दूध नहीं चलाते ऐसे करके, तो यस जब सर, उसको चलाने यस लगे सर, तो होगा क्या, तो जो CO2O है जो बैम्बू है, बैम्बू बेसिकली क्या है, वो ट्री मटेरियल जो बार्क वार्क है वो सब तो कार्बन होता है, सेलुलोज है कि नहीं, तो इसके अंदर कार्बन जो है उस कार्बन से रिड्यूस करके ये Cu+CO2 बनाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो पुराने जमाने में बस मेटल ओर को लिया, गर्म करना शुरू किया और उसके साथ बैम्बू स्टिक से हीट किया, तो वो धीमे धीमे प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है, आया समझ में। तो ये तुम्हारे पास पूरा वो है। अब इसी केस में एक और लास्ट बात कि जब हम ये वाला काम कर रहे हैं तो गैसेस निकल रही होगी SO2 वाली, ये जो SO2 वाली गैसेस होती हैं, द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड बाय ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2 एंड सो इट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। कि जब आप ये सारा कुछ कर रहे हो तो SO2 जो है आपका वो गैस निकलती जाती है, और फफोले कहते हैं इसको हिंदी में, ब्लिस्टर को, बड़े बड़े जब जल जाते हैं तब निकल के आता है ऐसे ना, गोल घूम जाता है, आपने भी देखा होगा कि अगर जल गए होगे तो पानी भर जाता है उसके अंदर, देखे यस आप सर, लोगों ने, यस तो सर, वो ब्लिस्टर्स होते हैं, तो उसके उसी की तरह दिखता है, ऐसे बड़े बड़े ऐसे वो होते दाने टाइप के इसके ऊपर दिखते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ SO2। कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, आज आपने ये वाला पोर्शन भी आप रीड कर सकते हो, यहां तक NCERT की एक भी लाइन में कोई भी डाउट हो तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क यही है कि यहाँ तक पूरा अच्छे से रीड करना, मैंने आपको बहुत ही मेजर पोर्शन पढ़ा है इस चैप्टर, ठीक है, और मैंने वही जैसे आपको बताया कि कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आप समझ समझ के करना, आपको डाउट हो आप मुझसे दोबारा ग्रुप पे पूछना कि सर ये वाला लाइन